सुभाषपा महासचिव अरुण राजभर ने कांग्रेस पर हमला किया है। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान प्रियंका वाड्रा यूपी आती है और चुनाव खत्म होते ही दिल्ली चली जाती हैं। यूपी के नेता एसी में बैठ जाते हैं। वहीं अगर सुभाषपा की बात की जाए तो सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर जनता के बीच में ही रहते हैं, गांव-गांव जाते हैं, मुलाकात करते हैं, उनका दुख और दर्द सुनते हैं। कांग्रेस पार्टी अपनी खोई हुई जनाधार को बचाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने बहुत मेहनत की है। इनको प्रभारी बनाकर उत्तर प्रदेश में भेजा गया और उनका ऐसा ही संघर्ष रहा कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को समाजवादी पार्टी ने बता दिया। इन्होंने 2017 में एक प्रयोग किया था दो लड़कों के साथ और दो लड़के पूरे उत्तर प्रदेश में घूम करके माहौल बनाने की कोशिश किया, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने इनको नकार दिया। 2019 में भी उसमें भी जनता ने नकार दिया, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ सत्ता के लिए संघर्ष करते हैं और जैसे ही सत्ता नहीं मिलती है और सत्ता से बाहर हो जाते हैं तो ये इसी कमरा में बैठ जाते हैं।